बड़ी खबर, तो शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्कर से 53 पेटी शराब बरामद की गई है। नकली शराब की जांच के सैंपल भेजे गए हैं। तो देखिए, नकली शराब की जांच के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। अंबाला से ये बड़ी खबर, अंबाला में पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में शराब तस्कर से 53 पेटी शराब की पेटियां जो है वो बरामद की गई हैं। नकली शराब की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। अंबाला पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, शराब की जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए हैं। अंबाला पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर से 53 पेटी शराब बरामद की है। नकली शराब की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। बड़ी खबर, अंबाला पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर से 53 पेटी शराब बरामद की गई है। तो नकली शराब की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। अंबाला पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल। शराब तस्कर रविंद्र उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, इस पूरे मामले में 53 पेटी शराब बरामद की गई है। तो 14 नवंबर को जो हमारी एंटी नारकोटिक सेल है सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह के अंडर, उनकी टीम ने जो है 651 बोतल लगभग 53 पेटी जो है शराब की हमने बरामद करी है एंटी नारकोटिक सेल ने। तो उसमें जो है आरोपी जो है हमारा रविंद्र कुमार उर्फ बिट्टू, निवासी दूधला मंडी थाना पड़ाव, इसके कब्जे से जो है हमने ये प्राप्त करी है।